हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। लौकी की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी। बच्चे और ज़्यादातर लौकी की सब्जी से दूर भागते हैं। अगर आप मेरे बताए तरीके से लौकी की सब्जी बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लेना। मैंने लिए 1 किलो लौकी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 बड़ी प्याज, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की और 3 हरी मिर्चें। और मसाले में मैंने लिया है मिर्च 1 बड़ी चम्मच, 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा और नमक। और ये लिया मैंने कसूरी मेथी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम कुकर को गर्म करेंगे। इन लहसुन को हम ग्रेट कर लेंगे, चाहे तो आप पीस भी सकते हैं। और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को हम फाइनल चॉप कर लेंगे। और लौकी को हम मीडियम साइज के में कट कर लेंगे। मैं कट करने के बाद फिर बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने प्याज और लहसुन को कद्दूकस में कस लिया है, टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है, प्याज को भी इस तरह से पीसीज में, और ये गोल गोल करके मैंने मिर्चों को कट कर लिया। और इस तरह से मीडियम साइज के मैंने लौकी के पीस कट कर लिए हैं। अब हमारा ये तेल गरम हो चुका है, तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा इसमें हम डालेंगे लहसुन को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज के साथ ही हम हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना। ये देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, इसको चलाएंगे, बस कुछ सेकंड भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर, इसको अच्छे से चलाएंगे। और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे नमक। टमाटर को हमें तब तक पकाना है, पककर एकदम गल नहीं जाए। देखिए इस तरह से हमने चलाते हुए टमाटर को पूरी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ये सारे मसाले एक साथ ऐड कर देंगे, 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनने देंगे। जब तक ये तेल नहीं छोड़ता, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, तब तक हम इसको भूनेंगे। भून के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है, तेल एकदम छोड़ गया। अब इस पे हम डाल देंगे ये लौकी। इसको अच्छे से हम इस तरह मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसको लगभग भूनने में। थोड़ा पानी हम और डालें, हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि लौकी डूब जाए, उससे ज्यादा नहीं। अब हम इसमें सीटी लगा देंगे। और हम इसमें 4 से 5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद हम इसको कम कर देंगे गैस को मीडियम पे, और फिर 3 सीटी और लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको खोल के बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी
बनकर तैयार है एकदम बहुत ही टेस्टी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।